दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म नजीब अहमद की गुमशुदगी के खिलाफ महाराष्ट्र के शहर देगलूर में एक एहतजाजी रैली निकाली गई। एपीजे अब्दुल कलाम तंजीम की जानिब से बाद नमाज जुमा ये रैली निकाली गई, जिसमें समाजी फलाही और तालीमी तंजीमों के नुमाइंदे और तुलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। ये रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए डिप्टी कलेक्टर ऑफिस पहुंची, जहां पर डिप्टी कलेक्टर को एक याददाश्त पेश करते हुए नजीब अहमद की गुमशुदगी पर तशवीश से वाकिफ करवाया गया और दिल्ली हुकूमत से मुतालबा किया गया कि लापता नजीब अहमद को जल्द अज जल्द बाजियाब कराया जाए। में स्टूडेंट नजीब के बाजियाबी के लिए एक बहुत बड़ी रैली इंसाफ रैली के नाम से निकाली गई थी। रैली के जिम्मेदार ने यहां पहुंचकर डिप्टी कलेक्टर ऑफिस में एक मेमोरेंडम पेश किया, तो बताइए आपके क्या क्या डिमांड्स। सबसे पहले तो हमारी डिमांड ये है कि जेएनयू यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी नजीब अहमद जो पिछले 5 महीने से गायब है, इनके गायब होने के बाद जब इनकी फैमिली ने के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई तो दिल्ली पुलिस तकरीबन 2-2.5 महीने तक उन्हें ढूंढते रही, लेकिन किसी किस्म की उन्हें कामयाबी हासिल नहीं। इसके बाद गृह मंत्रालय से राजनाथ सिंह जी ने एसआईटी का गठन किया, लेकिन एसआईटी के गठन के बावजूद भी अभी तक नजीब का नाम मिला। ये इस बात की गवाही देता है कि नजीब का अगवा ये कोई मामूली अगवा नहीं, बल्कि ये एक इंस्टीट्यूशनल किडनैपिंग है और हम इसके खिलाफ निषेध करते हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भी रोहित रमन्ना ने इसी तरह से तंग आकर आत्महत्या की। 5 दिन पहले जेएनयू के एक और विद्यार्थी मुथु कृष्णन ने भी आत्महत्या की। और इस तरह के हादसों का बढ़ना ये एक अच्छे लोकतंत्र के लिए नुकसान की चीज़ है और हम कतई नहीं चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर फांसीवादी ताकतें बढ़े। हमारा ये जो विरोध है किसी खास सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि हमारा विरोध उन शक्तियों के खिलाफ है जो इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ना चाहते हैं और इस मुल्क के अल्पसंख्यकों, दलितों और बहुजनों के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहे हैं। हमारा यही डिमांड है कि नजीब को जल्द से जल्द ढूंढ कर लाया जाए और इसके दोषियों को सख्त सख्त सजा दी जाए। तकरीबन 5 महीनों से जेएनयू के स्टूडेंट नजीब का नाम मिलना दिल्ली पुलिस के ऊपर, हुकूमत दिल्ली के ऊपर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है। कैमरामैन मोहम्मद अब्दुल रहमान के साथ मोहम्मद अल्ताफ, मुंसिफ टीवी के लिए।